कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉल डैमेज यहाँ पे नहीं आएगा। लेट्स सी किस सबसे प्लेयर्स इस टाइम पे आगे बढ़ने वाले हैं, स्कूल की टीम इस टाइम पे आगे बढ़ते हुए ओजी के ट्रिगर ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट पड़े हैं। स्कूल की टीम क्या यहाँ पे किल्स के लिए आगे जाने वाली है, ट्रिगर का किल यहाँ पे इसी कन्फर्म किया जाएगा एंड पहला किल यहाँ पे स्कूल गॉब्लिन के खाते में। पहला किल सोल के खाते में आ जाएगा, लेकिन रेमिनेंट के जो प्लेयर वो जो पानी में गए थे उनका भी एलिमिनेशन हमको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे जोन उनको डैमेज कर रहा था, प्रोबेबली वो हील पानी के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन सोल अभी के लिए एक फिनिश पार्ट अपने नाम लेके पूरा का पूरा रश की सिचुएशन बना दी, ओजी के ऊपर डायरेक्टली रश करने के लिए आ जाएगी। पहचान कौन और ऐश आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन टीम सोल रुकने वाली नहीं है, दोनों प्लेयर यहाँ पे आ जाते हैं। वहीं पे एक बढ़िया सिचुएशन सामने देखने को मिलेगा, चार्ज यहाँ पे कर दिया जाएगा सोल के द्वारा, एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते हैं, डॉनेज के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, एक गोली का कनेक्शन, वो प्लेयर नॉकआउट हो जाएगा। पहचान कौन, लेकिन उन्होंने जो नॉक निकाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गॉब्लिन यहां पे नॉकआउट हो चुका है, अभी के लिए एक बढ़िया सी सिचुएशन यहां पे ओजी के पास कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी शॉट्स भी उनके ऊपर आते हुए नजर आ जाएंगे। सोल के पास अपर हैंड क्योंकि उनके पास चार प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। पहचान कौन को नॉकआउट कर दिया जाता है। फाइनली ऐश बीइंग अ सोलो गाइस सर्वाइव फ्रॉम दिस टीम, एक अच्छा खासा नेड यहां पे ऐश को लेके जाएगा, अक्षत का ये नेड जाएगा, लेकिन कनेक्शन मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो वॉल के पीछे होल्ड कर रहा है। मुश्किलें इस टाइम पे सभी टीम्स के लिए गेट होते हैं, नजर आ सके सोल की टीम इस टाइम पे आगे बढ़ते पिन किलर्स का बहुत शानदार इस्तेमाल, बट सामने ऐश को स्पॉट किया जाएगा, किल किया जाएगा कंफर्म। सोल की टीम चार किल्स अपने खाते में यहाँ पे सिक्योर कर चुकी है, बट बाजी यहाँ पे खत्म होने वाली नहीं है। सामने से भी एनजेएक्स की टीम जाते हुए देखने को, बट रीप्ले में आप लोग देख सकते हो सोल ने स्पॉट किया, किल्स निकाले, नॉक किए, फिनिश किए, सब कुछ किए, एंड ऐश जो लास्ट में बचे थे बहुत शानदार तरीके से उनका किल भी कंफर्म किया, चारों किल्स। एंड जिस चीज की मैं हमेशा बात करता हूँ कि बिना प्लेयर गवाए इन्होंने किल्स निकाले हैं, तो आखिरी टाइम में इनको बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा होगा। लेकिन थर्ड पार्टी का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आ चुकी है। वैसे ये थर्ड पार्टी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तक सोल की कोई प्लेयर नॉक नहीं, अगर नॉक होता और कोई आता प्लेयर तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो जो टीम आई थी वो भी थोड़ा सा संभल जाए क्योंकि ये न्यू सोल के पास गन पावर उस लेवल की कि ये कुछ भी कर सकती है। और इवन तो इन्होंने गॉब्लिन को भेज भी दिया था कि ऑफ गार्ड एंगल के ऊपर भेज दिया। वैसे निग्मा गैलेक्सी है सामने जो कि पहले दिन के अंदर टॉप टू में थी, आज के दिन के अंदर थोड़ी सी थर्ड पार्टी एंड थोड़े से फाइट के अंदर इन्वॉल्व करना चाहती है, लेकिन फिलहाल अपने व्हीकल को भी सेफ रखेंगे। एमजे अभी के लिए बगी को ड्राइव करते हुए आराम से अपने आप को जोन के अंदर भी रखे हुए है। 12 मिनट खत्म हुई है, 15 टीमें अभी भी बची हुई है, प्लेयर 3 के ऊपर शॉट्स लिए जा रहे, कनेक्शन भी मिल रहे, 5 टी-शर्ट का गिव अवे भी चल रहा है गाइस इंस्टाग्राम के ऊपर। पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना, वॉर मिनी स्पोर्ट्स को जाइए वहां पे फॉलो कर लीजिए एंड जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर चीजें होती है उनको जस्ट जो भी किया होगा वो फॉलो कर लीजिए।